स्मृति ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं, जो सदन में कही जा रही हैं, सदन के बाहर कही जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेना और उसके बारे में बोल लेना जरूरी है। और उसमें से पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होके खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं, भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी, इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। आपको बड़ी दिक्कत है विदेशी जमीन पर जाकर उन्होंने कहा। सुनिए वो सारे वक्तव्य जो मोदी जी ने विदेशी धरती पर, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर उन्होंने जाकर देश का सिर नीचा करने का काम नहीं किया। जब आप चीन में जाकर ये कहते हैं कि हमने क्या पाप किया था, हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसे लोग सोचते हैं, आपको लगता है देश का सिर और देश का मान बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। और अब वापस मैं आना चाहती हूँ स्मृति ईरानी के वक्तव्य पे, और उस वक्तव्य पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है राहुल गांधी जी ने क्या कहा, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज सरकार जो सदन में कर रही है वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र क्षीण हो रहा है। आप चुने हुए सांसद का एक वक्तव्य है, उसमें से 18 चीजें एक्सपंज कर देते हैं क्योंकि मोदी और अडानी का नाम साथ में है। ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान से नजर नहीं नजारों की बात करते हैं कि शेर को और तमामों चीजों को एक्सपंज कर देते हैं, ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। अगर एक बेबाक पत्रकार सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ऐसे तमाम उदाहरण है, ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसियों के डर पे गिराना, ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है। आगे मैं बताती हूँ, लोकतंत्र को कमजोर करने के इतने उदाहरण हैं कि ये लोग कहीं मुंह छिपाए नहीं छिपेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी जी क्योंकि ट्रोल मंत्रालय को संभालती थी, उनके ट्रोल मंत्रालय पे खतरा था, उनको लगा कमान हाथ से चली जाएगी, वापस मैदान में कूद पड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति जी 2019 चुनाव के वक्त आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी, लोकतंत्र को भूल जाइए दो मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में, लीपापोती आपकी सरकार करती है, आप चुप रहती है। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती है। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती है। तो ये सिलेक्टिव आउटरेज जो स्मृति ईरानी का है वो सर्वथा गलत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, उन्होंने एक शब्द बोला टुकड़े टुकड़े गैंग। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे, और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के दो टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और ये सच है
कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं। इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई है, आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है। मेरा अपना मानना है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है, और भारत के लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है वो अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश ऑन दिस। जस्ट अ लिटिल व्हाइल बैक यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज जंप्ड इनटू द फ्रे and has made some very disparaging and very derogatory remarks about Congress MP and leader Rahul Gandhi. I simply want to ask and assert one thing. Smriti Irani heads the troll ministry of the Modi government, trolled Rahul Gandhi. And the reality is that that ministry is under a lot of surveillance by the government of India itself. And many people are in the fray to topple her from that position, and which is why she's back in the fray. She could not see that ministry being taken away. That's my simple assertion. Smriti Irani really wants to talk about democratic values. A Congress MP speaks in Parliament. He speaks on Adani. You do not utter a word on Adani. That's another thing altogether. He speaks on Adani. 18 parts of his speech are expunged. Is that not weakening democracy? The leader of opposition and the Congress president's statements have been expunged in the Rajya Sabha. Is that not weakening of democracy? Is weakening of democracy not established and not vivid when journalists are being arrested for asking tough questions? Is it not weakening of democracy when you are toppling elected governments through money power, through agencies? Is it not weakening of democracy that 95% of cases of ED are against opposition parties and there has been a fourfold increase in ED cases? Is it not weakening of democracy when you put every democratic value at bay? Have you ever thought and have you ever heard about ruling party standing and stalling proceedings of parliament because you do not want to discuss and debate Adani and you think you will escape from the questions that are being raised? Today there are news reports, today there is a newspaper analysis, there's an investigative report which is out that Elara Capital, which has invested all its money in Adani Group, is also a business, is also a partner in one of the defense firms. Who's going to answer these questions? And Smriti Irani really wants to talk about the Tukde Tukde gang. It was started by Mr. Savarkar when he espoused division of this country. And it is being continued by Mr. Narendra Modi. You are making people of this country fight on the basis of region, religion, caste, creed, color, language, every count. You are making Mizoram and Assam fight. You are making Karnataka and Maharashtra fight. And that is your real nature. That's your real face. But I will go back to the moot question. Why is the ruling establishment scared of the questions? And if you think that Rahul Gandhi has said anything wrong, let's come and debate in parliament. लेकिन शर्त सिर्फ एक होगी कि जब वो महंगाई की बात करेंगे आप लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ कह के बचेंगे नहीं। जब वो बेरोजगारी की बात करेंगे तो आप पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे। जब वो चीन की बात करेंगे तो कोई घुसा हुआ नहीं कहकर आप भागेंगे नहीं। और जब वो अडानी पे बात करेंगे तो आप कांपती हाथों से पानी नहीं पियेंगे। मेरा अपना मानना है कि जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी में वजूद ही राहुल गांधी जी को ट्रोल करने से है वो ये काम करते रहेंगे क्योंकि उनका अस्तित्व ही ये है। और बीजेपी में एक होड़ लगी हुई है, जब भी राहुल गांधी जी कोई वक्तव्य देते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई चर्चा का मुद्दा उठाते हैं जो जनहित का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, हर बार भारतीय जनता पार्टी के 6-7-8 लोग कूद पड़ते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ, आधा सच पूरे झूठ के साथ। और यही काम आज मंत्री स्मृति ईरानी ने और तमामों मंत्री कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत के सदन में जवाबदेही है सरकार की, और जिस जवाबदेही से आप भाग रहे हैं उतना ही आपके पीछे सवाल छोड़े जाएंगे। अडानी से आपका क्या रिश्ता है और अडानी पर आप चुप क्यों हैं? ये सवाल का जवाब तो आपको अंततोगत्वा देना पड़ेगा। और आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पीछे नहीं छुप सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे है। वो ये नहीं पता करेगी कि क्या 82 गुना स्टॉक कैसे बढ़े, बेनामी संपत्ति, बेनामी पैसा लाने का जो आक्षेप लगा है वो कैसे आ रहा है, इलारा कैपिटल डिफेंस के एक फर्म में पार्टनर कैसे है, सभी का क्या प्रोब हो रहा है, DRAI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस पे क्या कर रहा है, कहाँ है आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका SFIO, आपका MCA, आपका DRI, आपका IRDA, कहाँ है ये सब संस्थाएं जो अभी तक लग जानी चाहिए थी अडानी के पीछे।
तो मेरा सिर्फ अपना मानना यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन चुका है, और वही करती हुई आज स्मृति ईरानी दोबारा से नजर आई है। राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार, ऐसी परंपरा और एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान की शहादत दी है। तो हमें राष्ट्रवाद का पाठ बीजेपी के 2 रुपए के ट्रोल बन गए मंत्री तो बिल्कुल ना पढ़ाएं, और वो लोग तो बिल्कुल ना पढ़ाएं जो ट्रोल मंत्रालय के सदस्य और ट्रोल मंत्रालय के मंत्री रहने के लिए होड़ में लगे पड़े, पहली बात। और दूसरी बात, विदेशी धरती पर यह कहना कि हिंदुस्तान के लोगों ने क्या पाप किया था कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ये हिंदुस्तान का सिर नीचा करता है, या ये कहना कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड एंड द फेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज गोइंग टू डिसाइड डेमोक्रेसीज ऑन दिस प्लैनेट, ये बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम, उसको मानस पटल पर अंकित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, और अगर इनके अंदर जरा सी भी नैतिकता होती तो ये जरूर राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते। लेकिन ये सरकार अडानी के आक्षेपों से बचना चाहती है, चीन पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती, महंगाई और बेरोजगारी से बचना चाहती है, और इसीलिए ये तमाम आक्षेप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से ये एजेंसियां कठपुतली बनके भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुकी हैं, अगर आज हम इसके खिलाफ आवाज उठाकर एकजुट नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल आप पर भी उठेंगे, और इसलिए उठेंगे क्योंकि ऐसा क्यों है, जिस ईडी के खिलाफ मार्च हो रहा है, ऐसा क्यों है कि ईडी के केसेस में 4 गुना बढ़ोतरी हुई 2014 के बाद, ऐसा क्यों है कि 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ है, ऐसा क्यों है कि 9 साल से आप ईडी का झुंझुना बजा रहे हैं लेकिन आप एक भी केस प्रूव नहीं कर पाए, ऐसा क्यों है कि अगर हम खड़े होकर ईडी का और सीबीआई का निरंकुशता का विरोध कर रहे हैं तो कुछ पार्टियां अगर उससे बच रही हैं तो आपकी भी मंशा पर, आपकी रोल पर जरूर सवाल उठेगा। आई थिंक वॉट इज हैपनिंग इन कर्नाटका इज फॉर द कंट्री टू वॉच एंड विच इज वाई द बीजेपी इज रैटल्ड, विच इज वाई द बीजेपी इज वरिड, विच इज वाई द बीजेपी इज इन अ डिफेंसिव मोड एंड ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट इट बाय अटैकिंग राहुल गांधी। वॉट इज हैपनिंग इन कर्नाटका इज रैम्पेंट करप्शन, करप्शन टू द ट्यून दैट यू जस्ट हैड एन एमएलए सन एक्सेप्टेड रेड हैंडेड, got red-handed accepting a bribe of 40 lakh rupees. What action has been taken other than his arrest? Has ED gone there? Has CBI gone there? It's a 40% commission government. Yesterday, the contractor association raised the issue again. They have written to the Prime Minister. It has fallen on deaf ears. And Mr. Yediyurappa, who was removed on corruption charges, is back in the fray with Mr. Modi holding his hand and doing rallies. The reality is that people in Karnataka realize that this rampantly corrupt, brazen government has to be thrown out of power. And that is what people in Karnataka will do. Thank you very much.